करती हूँ। नमस्कार, इस सभा में उपस्थित सभी आदरणीय जनों को मेरा अभिनंदन। मैं ऋषिराज, रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल पटना की कक्षा 9वीं का छात्र। आज मैं आपको बिहार के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल वैशाली पर अपने अनुभव, विचार तथा तथ्यों को साझा करने जा रहा हूँ। मैंने सन 2019 में नवंबर के महीने में अपनी सर्दियों की छुट्टियों के दौरान पहली बार वैशाली का दौरा किया था। वैशाली एक गंगा घाटी का नगर है जो आज बिहार में सुशोभित है। हमने पटना से वैशाली तक की यात्रा प्रातःकाल शुरू की। वैशाली तक जाने वाला रास्ता भी काफी खूबसूरत था। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे वैशाली देखने की इच्छा बढ़ते ही जा रही थी। 2 घंटे के सफर के बाद आखिरकार हम अपनी मंजिल पर। हल्की बूंदाबांदी के कारण वैशाली का प्राकृतिक सौंदर्य और भी उभर कर दिख रहा था। वैशाली एक नहीं बल्कि कई प्राचीन एवं खूबसूरत स्मारकों को समेटे हुए एक विविध पर्यटन स्थल साबित होता है। वैशाली में अशोक स्तंभ, विश्व शांति स्तूप आदि हैं जिन्हें आज राष्ट्रीय इतिहास एवं धार्मिक इतिहास में एक अहम स्थान मिला हुआ है। ऐसा माना गया है कि वैशाली दुनिया का पहला गणराज्य भी है। वैशाली एक महान बौद्ध तीर्थ है और भगवान महावीर का जन्म स्थान तक है। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने 3 बार इस जगह का दौरा किया और यहाँ काफी समय भी बिताया। बुद्ध ने वैशाली में अपना आखिरी प्रवचन भी दिया और यहाँ अपने निर्वाण की घोषणा भी की थी। हमने वैशाली की यात्रा की शुरुआत विश्व शांति स्तूप देखकर शुरू करने का फैसला किया। विश्व शांति स्तूप के दर्शन करने के पहले मार्ग में हमें कई छोटी दुकानें दिखी जो बुद्ध भगवान एवं बौद्ध धर्म की विशेषता एवं सुंदरता की व्याख्या करते हुए सामान उचित दामों पर बेचते हैं। थोड़ी देर तक बाजार घूमने के बाद हम लोग चल पड़े विश्व शांति स्तूप के दर्शन करने। स्तूप के परिसर में प्रवेश करते ही ऐसा लगा मानो जैसे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार अचानक से बढ़ गया हो। स्तूप की सुंदरता और परिसर की हरियाली ने पल भर में ही मेरे मन को मोह लिया। देश में कुल 7 ऐसे शांति स्तूप हैं, उनमें से एक हमारे वैशाली बिहार में। वैशाली के इस शांति स्तूप की ऊंचाई कुल 125 फीट है। इस स्मारक का निर्माण 1960 के दशक में भारतीय और जापानी सरकार के सहयोग से किया गया था। यह स्मारक बेहद ही शांत और हरे भरे वातावरण में स्थित है। स्तूप में बुद्ध का स्वर्ण रंग की मूर्तियों को शिवालय के चारों ओर रखा गया है। मूर्तियों में भगवान को विभिन्न मुद्राओं में ध्यान रखते हुए दर्शाया गया है। यह स्तूप अपने सफेद रंग की तरह ही शांति का प्रतीक है और अहिंसा को बढ़ावा देता है। अंततः हमें विश्व शांति स्तूप की यात्रा का बहुत आनंद आया, परंतु एक चीज देख बहुत निराशा हुई कि इतनी खूबसूरत जगह का रख रखाव उतनी अच्छी तरीके से नहीं किया गया था। जगह जगह पर छोटे छोटे कूड़े के टुकड़े साफ साफ देखे जा सकते हैं। इस तरह की स्थिति से बचने के लिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परिसर में समय समय पर सफाई होते रहे। शांति स्तूप को अलविदा करने के बाद हम लोग बुद्ध अवशेष स्तूप के दर्शन करने गए। यह स्तूप भी विश्व शांति स्तूप की तरह एक हरे भरे और शांत वातावरण में स्थित है। इस जगह का इतिहास यह है कि जब बुद्ध भगवान की अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था तो उसमें से एक वैशाली को इस निर्देश के साथ दिया गया था कि उन अस्थियों के ऊपर स्तूप बनाया जाए, और वैसा ही किया भी गया, जिसे आज हम बुद्ध अवशेष स्तूप या बुद्धा रिलिक स्तूप के नाम से भी जानते हैं। बुद्धा रिलिक स्तूप के दर्शन के बाद हम पहुंचे अशोक स्तंभ देखने। अशोक स्तंभ को देखते ही उसके इतिहास को जानने की इच्छा खुद ब खुद जागृत हो जाती है। अशोक स्तंभ का निर्माण राजा अशोका के द्वारा करवाया गया था। यह स्तंभ केवल एक बड़े लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है जो 18 मीटर ऊंचा है। इस पर एक शेर की प्रतिमा भी रखी गई है जो ठीक उसी दिशा में है जिस दिशा में गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम यात्रा की शुरुआत की थी। अशोक स्तंभ के साथ ही वहाँ एक राम कुंड और एक अन्य स्तूप भी है। वैशाली में घूमने के लिए और भी बहुत कुछ है, परंतु समय के अभाव के कारण हमें ना चाहते हुए भी वैशाली की यात्रा समाप्त कर पटना की ओर रवाना होना पड़ा। परंतु वैशाली घूमने का अनुभव मेरे सबसे अच्छे अनुभव में से एक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बहुत धन्यवाद ऋषिराज। अब मैं आमंत्रित करती हूँ ओजस मिश्रा को। ओजस मिश्रा, आप आ गए हैं? हेलो। हाँ, ओजस मिश्रा डॉन बॉस्को एकेडमी से हैं। आपका विषय है माय विजिट टू द महाबोधि टेंपल। अब आप अपना आलेख प्रस्तुत करें। Good morning, afternoon. Good afternoon, respected judges, my fellow participants and audience. I, Ojas Mishra,
thank you for this golden opportunity to present my open letter on my visit to the Mahabodhi temple. 3 weeks ago, my sister and I were discussing which places we were going to visit in the winter holidays. While looking up popular tourist spots nearby, I remembered how Buddhism had originated in Bihar and that their history was closely related. Even the name Bihar was derived from Vihar, which were Buddhist monasteries and centers of learning. Their entwined history, a lot of Buddhist pilgrimage spots are located in Bihar. The most important ones, the Mahabodhi temple, the Bodhi tree, and the great Buddha statue are located in Bodh Gaya. My sister and I decided on the Mahabodhi temple and the Bodhi tree as they are close by. The next morning, we traveled by car to Bodh Gaya. The journey took around 2.5 hours. The whole ride was extremely noisy and loud, and I wondered if Bodh Gaya was going to be just as harsh. But my fears were unfounded. As we entered Bodh Gaya, it seemed that we had entered into a completely different, peaceful world. At the Mahabodhi temple entrance, we had to leave our electronic devices and our shoes, but we could take a camera for an additional fee. We met up with our tour guide and followed him into the temple premises. I was amazed. In front of me towered a large brick temple, over 50 meters tall. As we walked, the tour guide told us about the history of the temple. He told us that it was originally built by Ashok and rebuilt during the Gupta period. It was also restored multiple times by the Burmese rulers, the British, and independent India. He informed us that the towers in the structure were also called shikhars and were seen in Hindu and Jain temples too. I lingered, slowly drinking in the scene. The temple complex was decorated with marigolds. It wasn't too crowded, and there were a few orange-robed Buddhist monks coming and going. The whole area was tranquil, and it brought a sort of peace to the mind. The guide explained the features of the temple and said that it was declared a UNESCO heritage site in 2002. We continued on to the east-facing main shrine. It is made of black stone and painted with gold. It houses a 1,000-year-old gold-plated Buddha statue. It sits on a patterned cushion in the Bhumi Sparsh Mudra, touching the earth with one finger, the posture in which he attained enlightenment. This is the holiest, most important place of Buddhism. It was here that Gautam Buddha attained enlightenment back in 527 BC. The original Bodhi tree had been located just behind the statue. It is the center of many festivities. We now went to the Bodhi tree. The place was a bit more crowded, with a few people taking pictures. The guide informed us that this wasn't the original Bodhi tree, but its direct descendant. Under the tree is a thick stone slab, which was placed by Ashok along with the first Bodh Gaya temple, 200 to 300 years after Buddha attained enlightenment. The sun was setting and we were now preparing to go home. While going back, we saw a group of monks near stupas, deep in meditation. We collected our belongings. I took a last look at the magnificent temple and we walked away. The whole experience was very enjoyable. Apart from being quiet and peaceful, the whole complex was impeccably clean and decorated in a way that brought out its natural beauty. Everything in the premises was very well maintained, and our belongings were taken care of properly. It has a lot of historical and social significance, and acts as a symbol of tranquility in today's chaotic world. Even though I had a wonderful time, some issues still bother me. What I found the most disturbing was the deplorable condition of the NH-83, the part of the national highway which connects Patna and Gaya. It is extremely congested and noisy. The full trip took much longer than it was expected to. The road was littered with small and big potholes, which further reduced everyone's speed. On top of everything else, the air was rendered unbreathable by the smoke emitted by the vehicles stuck in traffic jams. Bodh Gaya also has connectivity issues. There are travel services for a very limited number of places. To increase the tourist footfall, the management should improve its connectivity by establishing more train services and domestic and international flight connections.
Bodh Gaya is a wonderful place to visit, and solving these problems will make it convenient for the tourists and more attractive as a tourist destination. Thank you. Thank you, Ojas. अब मैं आमंत्रित करती हूँ कृष्ण कुमार रंजन स्कूल। आपके आलेख का विषय है मेरा राजगीर का सफर। यस मैम, शुरू करें। ओके मैम, नमस्कार। मैं कृष्णा कुमार रंजन, अष्टम का छात्र, बीडी पब्लिक स्कूल की ओर से आप सबों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज पर्यटन दिवस के अवसर पर मुझे कुछ शब्द कहने का अवसर प्रदान के लिए आप सबों को तहे दिल से शुक्रिया। आज के समय में लोग ऐतिहासिक जगहों पर भ्रमण करना ज्यादा पसंद करते हैं। राजगीर आज के ऐतिहासिक जगहों में से एक प्रसिद्ध जगह है। मैं वहाँ 2019 में घूमने गया था। यह पटना से 100 किलोमीटर उत्तर में पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा है। मेरा राजगीर का सफर अत्यंत लुभान्वित रहा। मैंने वहां बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें देखा, जैसे कि सप्तपनी गुफा, विश्व शांति स्तूप, सोन भंडार गुफा, मणियार मठ, जरासंध का अखाड़ा, बिंबिसार की जेल, नौलखा मंदिर, रोप वे, जापानी मंदिर, घोड़ा कटोरा डैम, तपोवन, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, जैन मंदिर, श्री कृष्ण के रथों के चक्कों के निशान, सुरक्षा दीवार और गर्म पानी का कुंड। यह सब देखने के बाद मुझे लगा कि अगर कहीं स्वर्ग है तो राजगीर है। यह सब अत्यंत ही आकर्षित थे। वहां का टेढ़े मेरे रास्ते, बड़े बड़े मंदिर, लक्ष्मण झूला देखकर और वहां घूमकर मैं अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। मैं सोचा कि यह सब कैसे बना होगा और इसका इतिहास क्या होगा। मैं राजगीर का इतिहास जानने की कोशिश किया तो मुझे पता चला कि जब बुद्ध यहाँ धर्म प्रचार कर रहे थे तब यहाँ हर्षक वंश का साम्राज्य का शासन था। बुद्ध के समकालीन मगध नरेश बिंबिसार ने शिशुनाग अथवा हर्यक वंश के नरेशों की राजधानी ग्रीवज के पुराने नगर से बाहर अपना महल बनवाया, जो राजगृह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे अनेक धनी राज नागरिकों के बस जाने से यह राजगीर के नाम से एक नवीन ही बन गया। फिर मैं और जानना चाहूं तो मुझे पता चला कि राजगीर में ग्रीवज में महाभारत के समय में जरासंध की राजधानी भी रह चुकी है। राजगीर के निकट वन में जरासंध की नामक बैठक एक बारादरी स्थित है, जो महाभारत कालीन ही बताई जाती है, जिसके कारण महाभारत में के वन पर्व में राजगीर का उल्लेखन है, जिससे महाभारत का यह प्रसंग बहुत कालीन मालूम होता है। युवांग चवांग ने भी राजगीर में कई स्थानों का वर्णन किए हैं जिनसे गौतम बुद्ध का संबंध बताया जाता है। जैन कल्प सूत्रों के अनुसार महावीर ने राजगीर में 14 वर्ष काल बिताए थे। यहाँ पर आने वाले यात्रियों 3 मार्गों के द्वारा आ सकते हैं, सड़क मार्ग, वायु मार्ग और रेल मार्ग। मैं सब आया यहाँ पे सड़क मार्ग के द्वारा। मैं वहाँ सड़क मार्ग के जरिए गया था, तब मुझे वहाँ पे सबसे अच्छा ऐतिहासिक महल लगा। लेकिन वहाँ पे कुछ कमियाँ थी, जैसे कि राजगीर का बस स्टैंड। वहाँ का बस स्टैंड बहुत बदहाल और बुरा दिखाई पड़ा। वहाँ बस स्टैंड बहुत छोटा है, जिससे यहाँ पे आने वाले यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरा आशा है कि यह कठिनाइयों का हल जल्द हल हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कृष्ण कुमार रंजन। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सारे जितने भी प्रतिभागी थे उन्होंने अपना आलेख पढ़ दिया है। अब मैं अपने निर्णायक मंडल के प्रथम जज डॉक्टर डी एन सिन्हा सर से आग्रह करती हूँ कि वे कृपया बच्चों के द्वारा पढ़े गए अपने सुंदर आलेख पर अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी दें। डॉक्टर डी एन सिन्हा सर, Good afternoon and a very warm welcome to the learned scholars who are present here, Dr. Umesh Dwivedi, Dr. Chittaranjan Prasad Sinha, Dr. Ravir and Dr. Vimal Tiwari. I also welcome the organizers, which is in this case Patna Circle of Archaeological Survey of India and
the faces represented by Madam Sunita Bharti. But above all, I would like to extend my warm greetings to the students who are possibly the most encouraging factors in any such sponsors. To begin with, let me extend my hearty compliments on this day of National Tourism Day of 1922. Tourism, as we all know, is a very important sector that assists in the development of a nation, including its economy, and economy includes the generation of employment opportunities. While the economic aspect of the tourism sector is very widely recognized, very few people know that this sector also builds up the social integration process and above all, the built-in process of the national identity consciousness. This is very important because tourism should not be related only to the economic aspect of the nation building. Its role must be recognized in the social sector as well, and the building of national identity. Now, in this context, let me first congratulate the organizers of the this program, which is the Patna Circle of Archaeological Survey of India, headed by Madam Gautami Bhattacharya, Dr. Gautami Bhattacharya, and the FACES, which is a very active organization in this field, and represented by Madam Sunita Bharti and Sri Arvind Kumar. I congratulate this the organizers for selecting this topic because it is very relevant for today, which is the National Tourism Day. No topic possibly could have been more relatable than this. As per the list, I find there are 6 schools who are represented in this. This is the Notre Dame Academy, BD School, BD Public School, Radiant International, Don Bosco Academy, Baki Purkas School, Balak Madhya Vidyalaya, and St. Kenneth's Secondary School. So we are very encouraged to find that 95 applications for registration came. 32 participants participated in this contest, and of which 10 were chosen for presentation. It's very good to find, or very encouraging to notice, that schools which are convent-based are also participating in it, and the government schools like Balak School and Bakipur Girls School are also participating in it. So that completes the cross-section of the of this program, because we find representations across the variety of schools. Not only this, we also find that in the written part as well as the presentation part, both languages, the English and the Hindi, found place in it. This is also encouraging because it's correct that the topic is important and the presentation or the writing is important, but the linguistic diversification or the linguistic variation is also very important for such, for the success of these programs. And then we are also encouraged by the fact that the girls and the boys students are participating in almost equal numbers. So this is also completion of the cross section of this program. But most important thing is the diversification of topic selected by the, chosen by the students.
and we find that the topic is related to a large number of things, which includes the Gaya, Bodh Gaya, Rajgir, Maner, Vaishali, Nalanda, Bihar Museum, Sanjay Gandhi Biological Park or Jaivik Udyan, Golghar, Pavapuri, Patna, and one letter was also related to the Barabar Caves. Nothing could be more encouraging than the fact that the students have such a diversified taste, covering so different types of destinations. This, the name suggests that this includes the cultural places, which it is also includes the pilgrimage centers. Pilgrimage, for example, in one presentation, possibly from the Notre Dame Academy, who presented Gaya and Bodh Gaya. So not only the Mahabodhi temple or the Bodh Gaya temple was covered, it also covered the religious aspect like the Pindadan and Vishnupad temple, etc. That was also covered. So that shows that the students are well comprehensive in their selection of the, the presentation of the colleges. And this possibly is ensures the success of such organizations, because these programs are basically organized to enthuse a sense of tourism, to develop sense of tourism in the minds, in the young minds. And what we find is the young minds are already imbibed with the with this sense, covering so many types of cultural and natural heritage also, because I found that one presentation was for the Sanjay Gandhi Jaivik Udyan. Still more encouraging is the fact that one of the applicants wrote about Patna. And while dealing with this Patna, he or she, I don't remember exactly, it covered different aspects, not only historical. For example, it covered Golghar or the thing. It also covered the natural aspects. It also covered the urbanization aspect of it. So these facts are very encouraging. And lastly, I must add that the students were very comprehensive in the coverage of the topic. For example, one person, again, possibly from the Notre Dame Academy, who was presenting on Maner, she not only described that the structure or the monument, she also covered the laddus of Maner. She also covered in the written part, not in the presentation, but in the written part, I found that she was also aware of the important celebrities who visited this the Maner for this Maner laddu. So what I mean is that tourism is a very comprehensive subject, which not only includes the culture or natural aspects, but it also covers the modern things as well. And similarly, in one of the presentation, two or three presentation related to Bodh Gaya, I found that not only the greatest attraction of the place, which is the Mahabodhi temple, was covered, but the modern temples of different countries, the Thais, the Japanese, the Chinese, were also given due attention. So the coverage, this makes the coverage very comprehensive, and that shows the merit of the students who are participating in it, that they are so well prepared with the topic that they can cover the ancient aspect as well, as well as the modern aspect. Now, while assessing the presentation as well as the written part, I just simply want to inform you what aspects did I take into cognizance while assessing the papers. The first thing which required attention was the format of it.
and the format must have been in a letter format, because that was the topic suggested. You have to write in the form of letter, and it must be in the form of travel accounts. So these two aspects, one, the letter format, and the travel accounts format, was very important for doing justice for the students with the topic. Second, of course, and the most important thing was the content. And the content means that wherever you go, and whatever you have seen, whether you have collected appropriate knowledge about that place or not. Because a tourist is not a tourist unless he or she is a conscious tourist. It's not that you went there and enjoy and like a picnic or like that. You must cover the place to enrich your knowledge also. And that should be reflected in your papers. So the reading or collecting knowledge about the places, especially the tangible component of it. Of course, there are aspects which are intangible also related to these things, but the tangible components and their purpose must be elaborated in your essay. That was the second thing which we are keeping in mind while assessing your papers. And this also includes, as I said, the comprehensiveness of the topic. For example, if you are dealing with money, you are not only required to deal with the monument at money, you are also required to deal with the laddus of money. Similarly, if you are dealing with Gaya, the Hindu pilgrimage, the Pindadan or the Ahilya Bai temple, it was also important. And similarly, the Buddhist center of enlightenment, which is the Mahabodhi temple, that should also have been covered. So this comprehensiveness of the topic or your coverage was important for us. And then the background knowledge, which is, of course, and the intangible component of your paper or presentation. For example, most of the people related to Rajgir has seen Rajgir. While dealing with Rajgir, you have dealt with the tangible components of the monuments. But at the same time, the students have tried to know about the background of these places. For example, what was the religious importance of Rajgir related to the Buddhism as well as Jainism as well as Hindus. These things were also to be covered, and I am happy to note that the students have covered it as well. The next important part of our assessment was your observation there, which means that your observation should not only be limited to the monuments or the aspects of it. It should also be, you should also be observant about what are the development that has taken place, whether the development that has taken place are in a proper direction or not, or what are the deficiency or what is the further requirements in the development there. These observations should have also covered a tourist like you. And if you have found some deficiencies, you must come out with a suggestion also. And I am happy to note that many participants have done it, like what kind of developments are required. Many people have dealt with it. And lastly, of course, like any literary participation, the command on the language was also taken into account. Be it Hindi or English, the language is not important, but in whatever language you are writing or you are presenting, the command of your language and the selection of appropriate words was also important for us. So these aspects we have tried to find in your paper, and we have just accordingly. And before I end, I must congratulate all the participants, irrespective of whether they have they could found the space at the presentation level or not. All the participants deserve congratulations because they have dealt such a wide variety of topic or the other places. They have covered different languages. They come from different backgrounds of schools, like convent schools or the government schools.
So all the students deserve congratulations, and they all are part of our success story of the organizers, because as I said in the beginning, the organizers want to create a consciousness regarding tourism and the places which are the centers of tourism. And the students have already shown, or the participants have already shown signs that they are already matured with the cross section of the cultural and natural places of Bihar or whatever place they have visited. So I congratulate all of you. Prize is not important, participation is important, and therefore each student should treat himself as awarded in some way or other. So thank you very much. थैंक यू सो मच सर. बहुत सुंदर आप लोग, आप सभी ने सुना कि किन किन विषयों पर ध्यान रखना चाहिए एक आलेख को लिखते हुए. इतने सुंदर तरीके से सर ने एक्सप्लेन किया. अगली बार मुझे आशा है कि जितने भी प्रतिभागी फाइनल लिस्ट में आए हैं वे सभी इस बात का बाजू जरूर ख्याल रखेंगे. अपने दूसरे निर्णायक मंडल के जब डॉक्टर विमल तिवारी सर आग्रह करती हूँ सर से कृपया बच्चों के द्वारा पढ़े गए आलेख पर अपनी टिप्पणी दे. डॉक्टर विमल तिवारी सर जी. सुनीता जी जी सर, जो भी प्रेजेंटेशन रहे सारे बहुत ही अच्छे रहे. मैं सभी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने डिटेल में जो भी देखा, जिस भी स्थल का भ्रमण किया, जो टूरिस्ट प्लेसेस जिनका भ्रमण किया, उसको अपने लेख के माध्यम से और अपने वक्तव्य के माध्यम से दोनों ही बड़ा अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया है. आपकी आवाज नहीं आ रही. और मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो यहाँ तक पहुँच पाए हैं और जो नहीं भी पहुँच पाए हैं, उनको आज के आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से बधाई देता हूँ. और जो हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है, उसके प्रति जो उनके मन में भाव है और जो लगाव है, उसको जब देखता हूँ तो प्रसन्नता होती है कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं इनसे अपने आप को जोड़ के रख रही है. जो वास्तव में इन धरोहरों के संरक्षण और उनके क्या कहें, दीर्घ काल तक उसके बने रहने के संबंध में एक अच्छा कदम है, एक अच्छी पहल है. मैं पुनः सभी को धन्यवाद देता हूँ इस आपको भी और इस कार्यक्रम के लिए, साथ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भी इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ. और साथ में सारे पार्टिसिपेंट्स को जो भी कुछ चीजें जरूर मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा. जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, कुछ मैं जनरल बात कर रहा हूँ, किसी एक की पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ. कि जब आप ठीक है कि आप सेकेंडरी सोर्सेज से की मदद लेना बहुत आवश्यक है, उसके आर्किटेक्चर के बारे में, वहाँ क्या है, इन चीज़ों के बारे में जानना अच्छा है. और उसका इनपुट हमको इनके जो लेख हैं उनमें मिला है. लेकिन जो चीज़ें आप प्रत्यक्ष देखते हैं उनको जरा जब हाईलाइट करेंगे, बहुत से बच्चों ने इसमें जो है वहाँ की समस्याओं के बारे में भी बड़ा अच्छा से दिया, जो एक वास्तव में बहुत अच्छी पहल है. और ये अच्छी सोच को मतलब एक क्या कहें कि जो पर्यटक है उसकी अपनी एक सोच है कि हाँ भाई यहाँ ये व्यवस्था होनी चाहिए, ये नहीं है, इन चीज़ों को भी जब वो देखता है, उन चीज़ों को समझता है, तो शायद भविष्य में आगे आने वाला जो समय है या जो वर्तमान हम लोगों के माध्यम से या किसी माध्यम से इन चीज़ों को ऐसी जगह तक पहुँच सकती हैं कि हाँ ये कमियों को हम लोग दूर करने का प्रयास कर सकें. जब हम लेख लिखते हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने आप को वहाँ प्रेजेंट करके जो हम वहाँ पे हैं, जो हमने देखा, उन चीज़ों को जो है हाईलाइट करें. साथ में सेकेंडरी सोर्सेज को वास्तव में मतलब
कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हैं, जो चीज़ें हम वहाँ नहीं जान पाते हैं वो हम अन्य माध्यमों से, जो हमारे पुस्तकें हैं और जो हमारे मीडिया क्या कहें कि जो हमारे अन्य माध्यम हैं उनसे हम जानकर और उन चीज़ों को समझते हैं। तो मैं बधाई देता हूँ सभी को, सारे पार्टिसिपेंट्स को, और आगे के कार्यक्रम के लिए आपको एंडेवर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अपने तीसरे निर्णायक मंडल के सदस्य डॉक्टर रणवीर कुमार सिंह राजपूत सर से आग्रह करती हूँ कि वो कृपया बच्चों का इतना सुंदर आलेख उन्होंने प्रस्तुत किया है, वाकई 95 आए थे टोटल पार्टिसिपेंट्स थे और उनमें से आप 9 सिलेक्ट हुए हैं, ये सब आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। टोटल 10 पार्टिसिपेंट्स आप लोग यहाँ पर हैं। मैं रणवीर सर से आग्रह करती हूँ कि वो कृपया अपने विचार बच्चों के आलोक के ऊपर रखें। थैंक यू सुनीता जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आप जैसे कि कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, पहले भी आपने प्रोग्राम किए हैं, एक हमारे लिए ही हेल्प होता है इसमें। ये हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं, बच्चे अभी जिस स्कूल में हैं, और आज जिस तरह से आप बोल रहे हैं 95 पार्टिसिपेट किए, उसमें से यहाँ तक जो लोग पहुँचे हैं उनके विषय वस्तु शायद अभी कोर्स में नहीं होगा, लेकिन इसके बेसाइड उन लोगों ने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये हम लोगों के लिए अचीवमेंट है, स्पेशली फॉर द जो प्रोफेशन में है। देन इसके साथ साथ हम लोग SI के पटनांचल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर भट्टाचार्य, जो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट किया बच्चों के लिए, एक नया कॉन्सेप्ट है उनको, एक नई एक्टिविटी के रूप में उन्होंने अटेंड किया, ये अच्छा है। और इन लोगों ने जिस तरह से लिखा, कभी कभी कुछ बच्चों ने इतना इम्प्रेस किया कि हम लोग भी सोचते कि उन्होंने अपना ही फील किया कुछ ने। ठीक है, जैसे अभी मेरे कलीग जो बता रहे, विमल जी बता रहे थे कि सेकेंडरी सोर्सेस हमको जरूरत होती है, रीड करना चाहिए, लेकिन उसको अपने वे ऑफ वर्ड में कैसे एक्सप्रेस करना है। आज का टॉपिक ही ये था कि आप किसी स्थल पे घूमने गए हैं और वहाँ में आपने क्या फील किया, अपने आप के एक्सप्रेशन देना था उसमें, और बहुत अच्छे से लिखा है। और कुछ लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया, रियली इम्प्रेस उन्होंने जिस तरह से प्रेजेंटेशन दिया। सो एक अच्छा अप्रोच है। जैसे एक स्मॉल सजेशन है सारे स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। आप अगर किसी भी जब प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देन आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके साथ साथ आप स्कूल को प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस स्कूल से आप जुड़े हैं। तो अभी आप लर्निंग स्टेज पे हैं, आपको जब आगे भी प्रोफेशन में जाए, जिस प्रोफेशन में भी जाएंगे, ये स्टेज आपके लिए लर्निंग का, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी सब्जेक्ट में आप डिस्कस कर रहे हो, तो आप अपने स्कूल को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, मैं किसी का नाम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग अपने जस्ट घर के ड्रेस में बैठ के प्रेजेंट दे रहे थे, उनको वो थोड़ा नोट करना चाहिए। आप स्कूल की ड्रेस में आए, वेल ड्रेस आए, और स्कूल, क्योंकि उस स्कूल के साथ आप अपने कर रहे हैं, स्कूल को प्रेजेंट करते, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा चेंज करना और सोच आगे ध्यान रखना होगा। आपने सब्जेक्ट आपके विषय वस्तु का नहीं रहा होगा, आप अलग से हैं, लेकिन कोशिश आपने किया बहुत अच्छा था, ये छोटी छोटी सी सीखने की जरूरत है। इसके साथ साथ जैसे आप किसी साइट पे जा रहे हैं, आपको किसने क्या बताया वो आपने लिख दिया था ऑलरेडी, जो लिखा है वो हमने देख लिया, अब आपको अपने एक्सप्रेशन दिखाना था, हाउ यू फील एट द साइट, व्हेन यू रीच द साइट, आप जिस साइट पे जा रहे हैं आपने क्या देखा, आपके सुझाव सजेशन के थे वो आपके वर्ड होना चाहिए था। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा किया, कुछ लोगों को इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, उसमें नेगेटिव नहीं सोचना है। इस प्लेटफॉर्म से जिन लोगों ने अच्छा किया, आप लोग सब देख पा रहे हैं किसने अच्छा किया, आप खुद भी समझ पा रहे हैं, उसको आप और इम्प्रोवाइज करेंगे, यही एक सजेशन है मेरा। बाकी सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। सुनीता जी, उम्मीद है और भी अच्छे प्रोग्राम इस तरह से लेके आएंगे, आप जस्ट शॉर्ट नोटिस पे आए थे हम लोगों के पास, बट हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, यू आर डूइंग गुड, आगे बेस्ट विशेस सब आपके लिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, वाकई में बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हमारे पास हैं, इस पूरे साल में हर महीने हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के साथ मिलकर के, इनका
उन्हीं के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर उमेश चंद द्विवेदी सर से आग्रह करती हूँ कि वो जितने भी हमारे प्रतिभागी इसमें भाग लिए हैं, जिन्होंने अपने आलेख पढ़े हैं, हमारे जजेस ने जो टिप्पणी दी है, उन सभी को सम्मानित करते हुए सर आप अपना जो है वो बातों को हमारे सामने रखें, मुख्य बातों को और क्या क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं। मार्क आप अपना अवश्य दे सर, अपनी टिप्पणी हमें अवश्य दे सर। डॉक्टर उमेश चंद द्विवेदी सर, धन्यवाद सुनीता जी। मैं सर्वप्रथम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पटना अंचल एवं फिर से इसको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस अवसर पर मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। आज पर्यटन दिवस के अवसर पर आयोजन का बड़ा ही महत्व है। सच पूछिए तो हमारे देश की आमदनी का एक बहुत बड़ा स्रोत शुरू से रहा है पर्यटन, और पर्यटन के माध्यम से इस देश की अच्छी खासी आमदनी होती रही है। और जो भारत में जो पर्यटक जो आते हैं, यदि देखा जाए तो वो पर्यटक न भारत के शहर को देखने आते हैं, न भारत की प्रकृति को देखने आते हैं, वस्तुतः वो जो देखने आते हैं हमारे देश के इस पुरातात्विक धरोहरों को। विश्व के इतिहास में भारत के पुरातात्विक धरोहरों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारी सभ्यता संस्कृति विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यता संस्कृति में एक है, और यदि आप देखेंगे तो जितने भी ये टूरिस्ट प्लेस हैं, यही विदेशी पर्यटकों के लिए सबसे आकर्षण के केंद्र रहे हैं। और सौभाग्य से बिहार को और एक महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तुतः बौद्ध एवं जैन धर्म का यह जन्म स्थान कहा जा सकता है, और सनातन धर्म के क्षेत्र में भी इस बिहार का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हमारे जो पुरातात्विक धरोहर हैं, चाहे वह बोधगया हो, राजगीर हो, नालंदा हो, वैशाली हो, लौरिया नंदनगढ़ हो, लौरिया अरेराज हो, रामपुरवा हो, या इस ढंग के अगर पूरे अगर हम देखें तो पूरे बिहार में अगर हम पूरे अगर हमने कुछ गिना चुना नाम ही लिया, पूरे बिहार में इस ढंग के अभी सच पूछिए तो ऐसे सभी जो स्थान है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना रही थी, बिहार संग्रहालय भी उन्होंने निर्माण किया है। एक विद्यार्थी ने सच पूछिए तो बिहार संग्रहालय पर क्या उन्होंने कहा कि मेरी योजना यही है कि अभी तक जो हमारे यहाँ टूरिस्ट जो आते हैं वह सामान्यतः पटना में सवेरे हवाई जहाज से आते हैं, दिन भर पटना में और पटना के आसपास स्थलों को घूमकर चले जाते हैं, और जो टूरिज्म से जो बिहार को आमदनी होनी चाहिए वह आमदनी नहीं हो पाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी अधिक बढ़ाया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, और हम कुछ अनेक स्थल का निर्माण करना चाहते हैं जिससे कि लोग बिहार में आकर रुके और देखें। बिहार के पुरातात्विक धरोहरों के बारे में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा, अपना अनुभव। आज से करीब 40 वर्ष पहले पटना संग्रहालय में, आज जो पटना का है आज इससे भी अधिक ठंडक की स्थिति थी। मैं पटना संग्रहालय में उस समय कार्यरत था, और एक 80 वर्ष से ऊपर की स्विस महिला को मैंने देखा कि पटना संग्रहालय के गैलरी में वो जो दीदारगंज यछी या चौरी वीरर के नाम से जो प्रसिद्ध मूर्ति है उसके सामने वो खड़ा वो काफी देर से उस मूर्ति को देख रही थी। मैंने उस महिला से पूछा कि मैडम कुछ आप विशेष जानना चाहती हैं क्या?
उन्होंने कहा कि नहीं, इस मूर्ति के बारे में मैंने बहुत सुन रखा था और मैं इसके पहले भारत 20 बार आ चुकी थी, लेकिन दुर्भाग्य से हर बार मैं अपने पति के साथ आती थी और पति अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे और इस कारण मैं पटना नहीं आ पाती थी। लेकिन इस मूर्ति के बारे में मैंने जो सुन रखा था, उनके डेथ के बाद जो पहला हमने भारत का दौरा किया है वस्तुतः इस मूर्ति को देखने के लिए ही। बिहार के पुरातात्विक धरोहरों के का महत्व तो आप इसी से आप सोच सकते हैं कि केवल दीदारगंज यक्षी की मूर्ति देखने के लिए कोई महिला 80 साल से अधिक की उम्र में वह पटना आती है और पटना संग्रहालय का भ्रमण करती है। और उसके बाद मैंने उसे पटना संग्रहालय दिखाया, जाते जाते वो बॉम्बे से जब स्विट्जरलैंड जाने लगी तो उसने एक पत्र भी लिखा कि धन्यवाद, और उसने यही लिखा चूंकि मैं उसको पहचान पाता था नहीं कि ओल्ड लेडी whom you had guided in Patna Museum, उसने अपना परिचय यही अंत में लिखा था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से हमारे जो ये विरासत है, ये पुरातात्विक जो धरोहर है, ये अद्भुत है और इनको संभाल के रखना हमारे लिए निहायत जरूरी है। वो भारतीय पुरातत्व संरक्षण हो, राज्य का पुरातत्व निदेशालय हो या जो संग्रहालय हैं, इन सबों का दायित्व तो है कि हम अधिक से अधिक इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करें, हम टूरिस्ट फ्रेंडली भी बने। वस्तुतः कभी टूरिस्ट फ्रेंडली बनना भी निहायत जरूरी है। यदि राज्य का कानून व्यवस्था यदि नहीं अच्छा होगा तो निश्चित है कि या टूरिस्टों को सुविधा जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, तो हम निश्चित है कि लोग इसके तरफ आकर्षित नहीं होंगे, यहाँ आना नहीं चाहेंगे। तो निश्चित रूप से आज पर्यटन दिवस के अवसर पर आप लोगों के द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था। विद्यार्थियों ने काफी अच्छे ढंग से अपने निबंध प्रस्तुत किए और निबंध प्रस्तुत करने के साथ उन्होंने काफी अच्छा, अभी रणवीर जी ने सचमुच उन्हें कुछ बताया, वो उनको ध्यान दें। और विरासत के प्रति अभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ऑफिसर्स ने विद्यार्थियों को और जागरूक करने का यह कार्य बढ़ाया है। यह सच पूछिए तो बिहार संग्रहालय पटना संग्रहालय के द्वारा भी इस तरह के आयोजन होते रहे हैं। वस्तुतः विद्यार्थियों को हमें झोना चाहिए, वस्तुतः यह आने वाली पीढ़ी ही हम जो सच पूछिए तो मैं खुद संग्रहालय कर्मी रहा हूँ और संग्रहालय कर्मियों का मुख्य दायित्व तो हम लोग यही मानकर चलते हैं कि जो पूर्वजों से हमें जो भी ये विरासत प्राप्त हुई है, आने वाली पीढ़ी को हम सुरक्षित रूप से संभाल कर अगर दे पाते हैं, यही हमारा दायित्व है और यही हमारा कर्तव्य है। तो निश्चित रूप से मैं आयोजकों को इस विशेष कार्य करने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने इस ढंग का आयोजन किया और विद्यार्थियों को इससे जोड़ने का प्रयास किया। धन्यवाद कि आपने इस अवसर पर कुछ कहने का मुझे मौका दिया। धन्यवाद सर। आप जैसे भारत प्रसिद्ध इतिहासविद पुरातत्वविद को सुनने का हमें अवसर मिला, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है सर। सिटी सेना सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हुए जयसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के, वो फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं और भारत के जाने माने आर्ट हिस्टोरियन है। सर आपको पूरे समय तक हम नहीं रह सके, दूसरे मीटिंग में थे इसलिए मुझे अफसोस है कि सभी बातें नहीं सुन सके, लेकिन मुझे खुशी है कि इस तरह का आयोजन किया गया है। मैं खासकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना प्रमंडल और सुनीता भारती जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज के कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया है और नई पीढ़ी को इस विरासत से जोड़ने का प्रयास किया है। एक्चुअली बिहार पर्यटन के दृष्टि से बहुत ही समृद्ध राज्य है, खासकर सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन के दृष्टि से,
लेकिन एक दिक्कत ये है कि हम बिहारी अपने मार्केटिंग कर नहीं पाते हैं। हमारी जो भी चीजें हैं उनके रख रखाव या उनके प्रचार में हमें कुछ कमी नजर आती है, इसलिए हमें नए पीढ़ी के लोगों को जुड़ना है और अपने समृद्ध विरासत को उन्हें बताना है। केवल शहर में आयोजन करने से भी इसका ज्यादा प्रचार नहीं होगा, इसलिए आवश्यक है जो भी संस्थाएं इससे जुड़ी हुई हैं वह बाहर भी दूसरे दूसरे जिला में देहात के स्कूलों में भी इसका प्रचार प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक पर्यटक हमारे यहाँ आकर्षित हो सकें और इस तरह का आयोजन भी बराबर किया जा सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं डॉक्टर शंकर शर्मा सर जो कि असिस्टेंट सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट हैं, मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए मैं आपका सादर आमंत्रित करती हूँ सर। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत सवार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस अंतिम मौके पर मुझे इस एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपने जोड़ा और मुझे धन्यवाद ज्ञापित करने का यह अवसर प्रदान किया है। जैसा कि हम सभी आज राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मना रहे हैं और इस अवसर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और फेसिस के संयुक्त तत्वाधान में यह एक अति विशेष कार्यक्रम जो खास करके स्कूली बच्चों के बीच में जागृति अपने सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से आयोजित किया है। मैं पिछले 2 घंटे से चल रहे इस कार्यक्रम से जुड़ा था और इस मौके पर जो भी प्रतिभागी इसमें विद्यार्थी प्रतिभागी भाग लिए हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह विषय इसलिए भी अति महत्वपूर्ण था क्योंकि आज देश राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मना रहा है और विभिन्न विद्वान इस कार्यक्रम से जुड़े वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा। मैं उन सबका विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से, खास करके डॉक्टर उमेश चंद्र द्विवेदी साहब जिन्होंने बिहार के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में, उसके महत्व के बारे में, संग्रहालय के बारे में बच्चों को इस बात के बारे में बतलाया कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के जो पुरातत्वी और जो विभिन्न स्थल हैं, पर्यटक स्थल हैं, वो अपना पहचान बनाए हुए हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा डॉक्टर डीएन सिन्हा साहब का जिन्होंने काफी सारगर्भित तरीके से कि कैसे हमको अगर किसी कार्यक्रम में प्रतियोगी कार्यक्रम में भाग लेना है, चाहे वह हमें लेखन का हो या फिर अपने भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रकट करने का हो, तो हमको शब्दों का चयन भी उसी रूप में करना चाहिए। उन्होंने बिहार के ऐतिहासिक एवं पर्यटन के महत्व को उजागर करते हुए बताया कि यह न सिर्फ आर्थिक महत्व को प्रदान करता है बल्कि यह विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक और धार्मिक हमारा ताना बाना है इसके माध्यम से किस प्रकार से सांस्कृतिक प्रसरण होता है और हम सबको उन्होंने इस ज्ञान से अवगत कराया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा तीन जो न्यायमंडल के माननीय अतिथि थे आज के इस कार्यक्रम के, उन सब का जिन्होंने इस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं फेसिस द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के विशेष कार्यक्रम के अवसर पर अपना समय निकाल करके और हमारे प्रतिभागियों के लिए यह उन्होंने अपना अंश दान किया है,
इसलिए आप सबका भी बहुत बहुत विभाग की तरफ से धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हमारी सबकी प्रिय हमारी बिहार के जाने माने कला पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर सीपी सिन्हा साहब का, जो बतौर मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में हम सबको हमेशा ऊर्जा प्रदान करते रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अपनी पटना अंचल की अधीक्षण पुरातत्वविद महोदया डॉक्टर गौतमी भट्टाचार्य जी को भी मैं हार्दिक रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम को आज इस जो विकट परिस्थिति जो कोविड का है, ऐसी स्थिति में इस प्रकार के कार्यक्रम कम से कम सुदूर ये जो इंटरनेट का माध्यम है इसके माध्यम से भी कायम किया। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और अंतिम रूप में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सुनीता भारती जी का, जो इस प्रकार के कार्यक्रम को सफल संचालन किया और लोगों को जोड़ने का अवसर प्रदान किया। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।